आज मैं आप लोगों को जसप्रीत बुमराह के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हम लोगों को पता चला कि बीसीसीआई के मेडिकल टीम ने ये बताया है कि जसप्रीत बुमराह अपनी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं और वो हो सकते हैं कि शायद सेकेंड वनडे में बैक कर सकते हैं टीम 11 में। लेकिन दोस्तों हालांकि इसका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है और बीसीसीआई के द्वारा टीम सेलेक्टर के द्वारा ये बोला नहीं गया है कि फाइनली बोला नहीं गया है कि ऑफिशियली जसप्रीत बुमराह टीम में आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसका पता हम लोगों को शायद कल 1 बजे लग जाएगा, जब कल क्रिकेट लाइव स्टार्ट हो जाएगा और कल ही हम लोगों को पता चलेगा कि जसप्रीत बुमराह फाइनल 11 में है कि नहीं है। अगर जसप्रीत बुमराह बैक करते हैं इंडिया टीम में तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार अपने चोट की वजह से ऑलरेडी टीम से बाहर हो चुके हैं, जिसकी जगह पे शार्दुल ठाकुर को लिया गया है। और दोस्तों अगर जसप्रीत बुमराह फिट हो जाते हैं, अगर बीसीसीआई मैनेजमेंट जसप्रीत बुमराह को टीम स्क्वाड में ले लेते हैं मेडिकल फिट की वजह से ऑफिशियली अनाउंस करते हैं, तो ये इंडिया टीम के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह नंबर वन बॉलर हैं, वर्ल्ड वाइड नंबर वन बॉलर है, वर्ल्ड के विश्व के नंबर वन बॉलर हैं। और दोस्तों जसप्रीत बुमराह को बैक करना चाहिए, क्योंकि सेकेंड वनडे बहुत वाइटल जगह पर है, क्योंकि फर्स्ट वनडे टीम इंडिया हार चुकी है, 1-0 से वेस्ट इंडीज़ लीड कर रही है। दोस्तों ये रहा जसप्रीत बुमराह के बारे में। लेकिन हम लोगों को पता है कि ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी पारी खेली थी, एक अच्छी नॉक खेली है, जिसकी वजह से ऋषभ पंत एक फॉर्म में आ गए हैं, अपने फॉर्म में आ गए हैं, और हो सकता है कि उन्हें चेंज नहीं किया जाएगा, वो शायद कंटिन्यू करेंगे अपनी टीम के साथ। और इंडिया हालांकि अपनी टीम में ज़्यादा चेंजेस नहीं करती है, तो कल 1 बजे फाइनली पता चल जाएगा कि टीम स्क्वाड क्या रहेगा, अगर और जसप्रीत बुमराह बैक कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक, आप लोगों से भी देखिए आप हमारे नए चैनल स्पोर्ट्स टाइम प्लस को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस को पा सकें। और दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।